अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है सबके? ठीक हैं। तो आज की वीडियो हम बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पे ले गए हैं, जो कि मतलब हमारा सियालकोट है, सियालकोट के हिसाब से वीडियो है। और वीडियो है बेसिकली रिलेटेड टू लेदर। लेदर जो है ना, मतलब उसकी स्टार्टिंग से लेकर फिनिशिंग तक जो है ना, उसके प्रोसेस क्या होते हैं और उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो ये अभी आप देख सकते हैं, मैं फैक्ट्री के अंदर खड़ा हूँ। तो यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना प्रोसेस दिखाते हैं। लेदर के डिफरेंट किस्म के प्रोसेस होते हैं, लेकिन आज मैं जो आपको बताऊंगा उसमें लेदर की दो तीन वैरायटीज जो है ना वो तैयार की जाती हैं, जिनके साथ जैकेट्स बनती हैं। जैकेट्स के बाद जो है ना आप कह सकते हैं शॉर्ट्स बनती हैं। शॉर्ट्स के बाद जो है ना एप्रन बनते हैं, वो जो लेदर के जो बार्बर्स यूज करते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ जगहों पर ना यूज हो जाते हैं। तो चले चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। तो आए हमारे साथ। तो ये है अबू बकर भाई, इनसे जो है ना पूछते हैं, जो कि यहाँ पे ना एज ए टेंडर वर्क करते हैं। ठीक है, तो इनसे पूछते हैं ये कौन कौन सा लेदर है। जी अबू बकर भाई, ये कौन सा लेदर है? ये काऊ लेदर है जी। काऊ लेदर अच्छा होते हैं। ठीक हो गया। काऊ लेदर में ये अभी काफी मोटा है, ये बाद में स्प्लिट होगा और ये फर्स्ट स्किन है उसकी। ठीक हो गया, चले आप देख सकते हैं सारे लेदर जो है ना वो पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो अभी ये जो मशीन है ना ये बंद है, इसके ऊपर वर्किंग नहीं चल रही। इसके है कि लेदर काफी मोटा था, जो मतलब पहले वाला था। इसके अंदर ना लेदर को स्प्लिट किया जाता है, दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। यहाँ से लेदर रखते हैं और दूसरी साइड से जो है ना दो हिस्से होकर बाहर आ जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही तेज ये जो लगा हुआ इधर, ये मेरी फिंगर जिस पे जगह लगी, ये ब्लेड है और बहुत शार्प होता है। ये इतना शार्प के जस्ट टच की दे रहा है। तो ये भी बंद है, तो ये प्रोसेस नहीं हम दिखा सके आपको, लेकिन दो होने के बाद जो इसकी नीचे वाली स्किन और ऊपर वाली स्किन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अभी अपर स्किन है, आप देख रहे होंगे ये काफी शाइनी और मुलायम है। ठीक है, ये अपर स्किन है और इसको स्प्लिट करने के बाद कुछ इस तरह की हालत जो है ना वो हो जाती है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें, ये काफी खुरदरी है। ये स्प्लिट होने के बाद उसका नीचे वाला हिस्सा है और वो जी। तो अभी ये जो है ना वो लेदर आपको दिखाया था जो स्प्लिट होने के बाद जो ब्लू में नीचे आया था ना, अब उसको काट के प्रॉपर शेप में लाया जा रहा है, जिसके साथ जो आगे प्रोडक्ट्स है ना वो कंप्लीट किए जाते हैं। तो ये देखें अभी, ये भी काफी शार्प नाइफ है। जो आपको नाइफ बताई थी ना स्प्लिट मशीन की, वो जब खराब हो जाती है या टूट जाती है तो उसके बाद ये वाली नाइफ जो है ना उससे बनाई जाती है, उस ब्लेड के साथ। तो ये अभी वो पीस बने हैं। तो ये अपने राणा साहब काट रहे हैं। राणा साहब से हाय टू एवरीवन। हाय। हाँ जी, तो अभी ये जो है ना शेवर किया जा रहा है उसको ना, मतलब सॉफ्ट करने के लिए और थोड़ा सा इसकी जो मतलब थिकनेस है ना उसे सेम एक जैसा करने के लिए ये मशीन के अंदर डाला जा रहा है। यहाँ पे जो है ना आप कलर करने के बाद लेदर को लाया तैयार किया गया, कलर वगैरह जो है ना वो किया गया लेदर को। तो ये अभी आप देखें, ये देखें, ये कलर होने के बाद कुछ इस तरह के हालात हैं। और इस तरह से काट के इसको देखा जाएगा कि कलर अच्छे तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक, तो अभी ये जो है ना, मतलब वो नीचे वॉश होने वाला आपको प्रोसेस दिखाया, तो उसके बाद ये ड्राई होके आया। ठीक है, ड्राई होने के बाद इसको एक और प्रोसेस किया जाता है जिसे मिलिंग बोलते हैं। ठीक है, वो भी मैं अब आपको दिखाता हूँ और उसके बाद के प्रोसेस दिखाता हूँ। तो अभी ये जो है ना मिलिंग होके इस ड्रम के अंदर था, अभी वो बंद हुआ है। ये देखिए ड्रम के अंदर, अभी नजर नहीं आ रहा होगा आपको लेकिन मैं बाहर वाला दिखा देता हूँ। ये देखें, अभी उसका बेनिफिट ये हुआ, ये देखें ये सॉफ्ट है, वो किस तरह से हार्ड था। इसको अभी यहाँ से निकाल के तो ये देखें तय लगाई जाएगी। तो ये अभी ना मतलब मिलिंग किया जा रहा है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके हीट दी जाएगी, हीट देके सॉफ्ट किया जाएगा। हीट देने को वो मशीन के अंदर, वो सामने मशीन है उसके अंदर ये ना पोर्शन को अंदर रखेंगे और इसको हीट देके सॉफ्ट किया जाएगा। ठीक है, कह लेंगे जैसे प्रेस होता है ना, आयरन करते हैं हम प्रेस इसको, तो उस तरीके से इसकी जो सलवेटें हैं ना वो खत्म हो जाती हैं। ये देखें अभी काफी टाइट रखा गया, जो पहले हो गया वो उतारा जा रहा है। ये उतारने के बाद कुछ इस तरह से है, ये देखें जरा फुल प्रेस हुआ पड़ा है। और ये प्रेस करने से पहले के हालात हैं, ये देखें अभी इसके ऊपर काफी ज्यादा सलवेटें हैं।
और दूसरा आपने देखा कि अभी मशीन के अंदर एक पोर्शन चला गया और दूसरा पोर्शन उन्होंने साथ ही निकाल लिया, क्योंकि उस हिसाब से इसकी टाइमिंग सेट की जाती है। तो आप ये मूवमेंट इंजॉय करें, सेटिस्फेक्ट्री काफी है। अभी इस वीडियो में शोर भी काफी आ रहा होगा, तो जहाँ पे जो है ना कलर करने के लिए लेदर को मशीन के अंदर डाला जा रहा है, तो अभी हम जो है ना यहाँ पे शाह साहब से पूछते हैं कि इस प्रोसेस में बेसिकली वो करते क्या है और किस तरीके से ये जो प्रोसेस है परफॉर्म किया जाता है। कन्वेयर में अंदर जा रहा है और वो आगे मशीन चल रही है। ये जो है ना अभी मशीन चल रही है, तो हम शाह साहब से पूछते हैं कि ये बेसिकली कर क्या रही है। जी शाह साहब, ये मशीन क्या परफॉर्म कर रही है और किस तरीके से काम कर रही है? ये मशीन कलर मैच कर रही है, ये गाने चल रही है, पीछे इसका पंप होता है, वो कलर आगे फॉरवर्ड करता है, कलर जो कलर लेवल हो जाए, लेदर का जो कलर है उसको लेवल किया जा रहा है, लेदर का कलर लेवल हो जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो जो साइड से लेदर डाला गया और जो कलर किया गया है, अब यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली एंड होती है और यहाँ पे इसको एक टेबल के ऊपर रखा जा रहा है। ये कन्वेयर के ऊपर चल के पेंट होने के बाद साथ ही ड्राई हो जाता है और अभी यहाँ पे आ रहा है। जी तो आपने भी देखा जो मतलब सारे प्रोसेस थे लेदर को रेडी करने के, और उसके साथ जो हैट्स वगैरह बनी हुई थी लेदर के साथ वो भी आपको दिखाएं, तो हमें रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना सियालकोट को हम एक्सप्लोर करेंगे अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं, तो हम इन टॉपिक्स को अब जो है ना कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक अपने भाई एहतशाम को दें इजाज़त, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।